नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई चेक बाउंस के बारे में। जी हाँ, दुबई दुबई चेक बाउंस से रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है जो लोग वीआई में रहते हैं। और देखिए, जो लोग वीआई में रहते हैं, जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनके पास चेक भी होते हैं। चेक ज़्यादातर बिजनेसमैन की हम बात करें तो, और दुबई में चेक देने का मतलब है अपने हाथ हैं दोनों कटवा के अगले को दे दिए। जी हाँ, क्योंकि चेक का मुकदमा दुबई में क्राइम के मामले में आता है, उसको आपराधिक मामला माना गया है। जी हाँ, लेन देन से संबंधित। इंडिया में तो भाई चेक दे के पीछा छुड़वा लो, फिर चेक अगला मुकदमा करता रहेगा, 5 साल 10 साल चलता रहेगा, कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलता रहेगा, कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। इंडिया में 20 लाख के चेक बाउंस के पेंडिंग केस चल रहे हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं एक कानून पढ़ा लिखा एडवोकेट हूँ, मैंने खुद ने 2 चेक बाउंस के FI मुकदमे करवा रखे हैं कोर्ट में, और बंदा बाकायदा आता है जाता है, 2.5 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ उनका। ये स्थिति है चेक बाउंस की इंडिया के अंदर। लेकिन वीआई में, गल्फ देशों में जस्ट उससे विपरीत है। जैसे इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है ना, सेम वैसा प्रोसेस है दुबई में। दुबई में अगर आपने चेक किसी को दे के बाउंस करवा लिया तो आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जी हाँ, इसके लिए आपको अभी माइंड हो सकता है कि क्या किसी को चेक देने के बाद में कोई कानूनी सुरक्षा आपको मिल सकती है। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि चलो चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गया, मुकदमा चल रहा है, तो क्या कोई कानूनी बचाव है आपके लिए, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीआई में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अन्य आपका कोई लेन देन है, बदले में आपने किसी को चेक दिया, अब चेक में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चेक देते समय गड़बड़ हुई है, आपने सिग्नेचर चेंज करके चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, या फिर आपने चेक स्टॉप करवा दिया, चेक फटावा दे दिया, या फिर कोई भी रीज़न हो गया, आपने किसी को चेक दिया, चेक में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से चेक बाउंस हो जाता है, तो अगला आपके ऊपर मुकदमा करता है। जी हाँ, क्योंकि आपराधिक मामला बनता है ये। 1987 का अनुच्छेद बता दूँ 3 में जो एक्ट है, 401 में ये दंडनीय अपराध है। जी हाँ, आपको सज़ा मिलनी तय है। चेक वाले खास तौर से भाई वी में डरते हैं बेचारे, उनको पता लगेगा चेक बाउंस ना हो जाए, चाहे उनको इंडिया से पैसा मंगा के भी बंदे को देना पड़े, लेकिन पैसा देना पड़ता है। बाकी जिनके चेक बाउंस हुए हैं ना, उनको जेल में भी जाना पड़ता है, फिर आप उनको प्रॉब्लम आती है, वो डिपोर्ट भी हो सकते हैं दोबारा, बहुत सारी प्रॉब्लम उनमें आ सकती है। जी हाँ, और जब तक वो पैसा नहीं देते तब तक वो भाई केस लगा हुआ बंदा दुबई नहीं छोड़ सकता, सबसे माइनस पॉइंट ये है। गलत अगर दोषी साबित हो गए तो आपको पूरा पैसा भी देना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा, तो आपको नुकसान हुआ ना। बता दूं, दुबई का जो चेक से रिलेटेड कानून जो बना था 2017 एक्ट 1 में, ये प्रावधान किया गया कि चेक की राशि 2 लाख तक है तो उसको सजा ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी चेक की राशि 2,000 दराम से लेकर 10,000 के दराम में है तो आपको ऑप्शन है बचने का। जी हाँ, वो इसलिए बचने का ऑप्शन है, बता दूं कि चलिए मान लीजिए कि आपका चेक बाउंस हो गया, बंदे ने FIR मुकदमा करवा दिया, आपराधिक मामला आपके खिलाफ में बन गया। जैसे आपको सूचना मिलती है कि भाई आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो गया है चेक बाउंस से रिलेटेड, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि आप बच सकें, आप बताइए। ऑप्शन ये है कि भाई, एक पहला ऑप्शन तो ये है कि जो पैसा मांग रहा है जिसने चेक बाउंस किया है, पैर पड़ ले, जी माफ़ करो मेरे पास पैसा नहीं है, भाई मारे या छोड़े तेरी मर्जी, मेरे पास पैसा नहीं है। अरबी लोग होते हैं वो तो भाई छोड़ते नहीं है, बाकी अगर इंडियन है या फिर आपकी मेजोरिटी का बंदा है, वो तरस खा के आपको चलो छोड़ देते हैं, कानूनी कार्रवाई स्टॉप हो जाती है, या फिर आपका राजीनामा हो जाता है, या फिर वो चेक बाउंस का मैटर ख़त्म हो के आप उसको दूसरा चेक दे देते हो, इस तरह से ये बच सकता है। उसके हाथ में है, अगर वो आपको माफ़ी दे या आपके साथ राजीनामा करे, उसके विवेक पे डिपेंड करता है। जब उसका मन शांत हो, वो सोच ले यार चल नहीं है इसके पास पैसा, छोड़ देते हैं, तो आप कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। दूसरी बात, कानूनी वो नहीं मानता है, कानूनी कार्रवाई चल रही है तो उस दौरान आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, वो जुर्माना आप जमा करवा देते हैं, एक्स्ट्रा चेक की राशि है ना उसके एक्स्ट्रा में जुर्माना लगता है आपके ऊपर, वो जुर्माना अगर आप जमा कर देते हैं तो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई बंद हो सकती है। जी हाँ, हालांकि बंद होगी अस्थायी तौर से, ये नहीं कि वो परमानेंटली बंद हो जाएगी, आपके खिलाफ में कार्रवाई बंद हो सकती है कानूनी सुरक्षा में। बस भाई यही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है कि ऐसी गलती करे ना, कानूनी सुरक्षा आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, कानूनी सुरक्षा में जिसने केस किया है उसके हाथ पैर पड़ ले, भाई माफ़ी दे, जो भी आपके स्तर पर आप कर सकते हो, अगर माफ़ी मिल जाती है, राजीनामा हो जाता है तो बच सकते हैं। तीसरा, जुर्माना जमा कराओ और कार्रवाई से बचो, बस यही ऑप्शन हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय